लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार हमारे युवाओं पे अत्याचार कर रही है, ये रक्षक की जगह भक्षक बन चुके हैं। देश को लूटने का काम कर रही है, लेकिन आज इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि देश का, प्रदेश का और हमारे रीवा महूगंज का नौजवान और पूरे वित्त का नौजवान लड़ाई लड़ने के लिए हर स्थिति में तैयार है। होगा या जो नर्सिंग के मामले में उनको न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और राहुल गांधी जी के जो देश के नौजवान है और किसानों के लिए जो सपना है उस सपने को हम लोग साकार करेंगे। आज युवा कांग्रेस द्वारा साथ हो रहे अन्याय, नीट परीक्षा, नर्सिंग परीक्षा को लेकर के आयोजित कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय नेता भी रहे, देश के नेता भी रहे, हम भी रहे, लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अत्याचार और दमन करके इस पाप को मिटाना चाहती है, वो हम सबको बर्दाश्त नहीं है। भले आज शासन प्रशासन 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की हो और पूरी तरह से वो दमन करने का प्रयास कर रही है, पूरे मध्य प्रदेश को, देश को लूटने का काम कर रही है, लेकिन आज इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि देश का, प्रदेश का और हमारे रीवा महूगंज का नौजवान और पूरे वित्त का नौजवान लड़ाई लड़ने के लिए हर स्थिति में तैयार है। आप सब स्वयं देख रहे, प्रत्यक्षदर्शी रहे, जिस तरीके से शासन और प्रशासन के नुमाइंदों ने गैस आंसुओं को इसके गोले और यहाँ तक की बंदूक की गोलियां भी छोड़ी, हवाएं फायर भी किए, कुछ हमारे साथी घायल भी हुए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अन्याय बर्दाश्त के बाहर है, कि यह लड़ाई थमने वाली नहीं है। ठीक है, परिणाम मध्य प्रदेश में चाहे जो आए हो, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी या युवक कांग्रेस के साथी सब मिल करके हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरे ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और राहुल गांधी जी के जो देश के नौजवान है और किसानों के लिए जो सपना है उस सपने को हम लोग साकार करेंगे। और आज जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, यूथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को घायल किया और जो आम जन लड़ने आया था उसमें मिर्ची, आप समझ सकते हैं जब सांस में फेफड़े में गई होगी तो कितनी बीमारी हुई होगी वो आपको पता चलेगा आने वाले समय में। लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार हमारे युवाओं पे अत्याचार कर रही है, ये रक्षक की जगह भक्षक बन चुके हैं और ये नरसिंह घोटाले के प्रमुख आरोपी विश्वास सारंग पे कोई भी जांच नहीं बैठा पा रहे। जब सीबीआई की जांच में पाया गया कि सीबीआई भी दोषी है तो इनके बारे जो बाकी के अधिकारी हैं वो भी तो दोषी होंगे, तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं जो नीट को लेकर एक आंदोलन कर रहे हैं। इस तरीके से रिमोट कंट्रोल सरकार मनोज यादव जी के हाथ में नहीं है, किस तरीके से मोहन यादव के हाथ में सरकार नहीं है, रिमोट कंट्रोल सरकार है, दिल्ली से चल रहा है, जो भी पेपर लेक करना, जो भी घोटाला करना वहां से जो रिमोट बटन दबा दे या सब कुछ कर रहा है। किस तरीके से जो नर्सिंग के जो छात्र के साथ इन लोग ने अन्याय किया, वो लोग ने जो न्याय मांगने गए उनके ऊपर भी लाठी बरसने का काम किया, आज आपके सामने किस तरीके से आंसू गैस, जो किस तरीके से वो पॉइजन जो गैस फेंकने का काम किया, ये सारे को मिला के आने वाले दिन में युवा कांग्रेस, मितेंद्र के
नेतृत्व में बहुत बड़ी लेवल पे लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। और जो यहाँ जो प्रदीप जोशी जो एनटीए चेयरमैन जो पेपर स्कैम का जो पिता माँ उसको प्रमोशन बना बना के आप दिल्ली में दे रहा है, वो क्लियर बोल दिया है जो ये इसमें जो भी 40% जो सरकार दिल्ली में देने का बात किया है ये सारे आपको पता है। री नीट एग्जाम होगा या जो नर्सिंग के मामले में उनको न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज ये यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे एक प्रदर्शन किया था और कलेक्ट्रेट घेरने का प्रयास किया था जिसकी कोई परमिशन वगैरह भी उनके पास नहीं थी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हुए इनको मारतंड स्कूल चौराहे पे ही रोका गया है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्योंकि उग्र हो रहे थे तो उसमें हमने वाटर कैनन और टियर गैस का इस्तेमाल किया गया और जो कुछ लोग नहीं माने हैं या नहीं डिस्पर्स हुए तो उनको गिरफ्तारी इसमें की गई है। हाँ कुछ बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो भी नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।